हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको सिंपल कुर्ते की राउंड नेक की कटिंग बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे देखकर यदि आप बिगिनर्स भी हैं तो आप इजीली राउंड नेक की कुर्ती बना सकते हैं और बहुत फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने ये पूरा मार्किंग कर रखी है, ये नेक। ये देखिए, ये हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंचेस है और नेक की लंबाई, ये हमको 6.5 इंच डीप बनाना है नेक, तो ये 6.5 इंचेस है। ये देखिए, यहाँ 6.5 इंच है, यहाँ 6.5, नीचे भी हम ये 3 इंच इसकी चौड़ाई लेते हैं और ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ 1 इंच पे एक मार्क लगाते हैं। 1 इंच पे ये मार्क लगाने के बाद हम यहाँ से गोलाई देंगे, ये इस तरीके से, और ऐसे मिलाते हुए इसी लाइन पे ऐसे ले आएंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक है। अब हम इसको एज इट इज कट कर लेते हैं। तो हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से फ्रंट का नेक कट कर लिया है। अब हम फ्रंट के नेक में लगाने के लिए गले की पट्टी कट करेंगे। तो उसके लिए ये जो फ्रंट का नेक हमने कट किया है उसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से, और इसको रखते हुए इसके किनारे किनारे पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये हम इस तरीके से ये नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से लगभग 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से ये पूरा इसी टाइप से सर्कल में ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखिए, ये हम इस तरीके से पूरा ड्रॉ करते जाएंगे। और अब हम यहाँ और ये बाहर से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, नेक के ऊपर की पट्टी को कट करने के बाद हमने ये इस तरह से नेक के ऊपर रख दिया है और उसको इस तरह से पिन से सिक्योर कर दिया है, ताकि हमें जब हम इस पर सिलाई करें तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल भी ना गले में झोल आए और ना पट्टी यहाँ वहाँ खिसके। तो अब हम इस पर ये किनारे किनारे सिलाई करना शुरू करते हैं।
हमने इस तरह से ये पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे नॉचेस लगाते हुए इसको ऐसे पीछे की तरफ टर्न कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये कुर्ते के कपड़े को बैक साइड में रखकर ये पूरा जो नेक की पट्टी है इसको इस तरह से मोड़ कर पूरा पिन से सिक्योर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें तुरपाई कर देंगे जिससे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए तुरपाई करने के बाद हमारे गले की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, ये देखिए।